This is the revision video on preamble of Indian constitution. So, the idea is to finish all important chapters for Indian polity in short before this prelims examination. These videos will give you a basic overview of a chapter and will help you in revision. Make sure that you are reading your standard sources after you watch this video. I will be fast throughout the video.

पंद्रह क्वेश्चन आते हैं उसमें से आठ से दस क्वेश्चन सही सॉल्व करना हम ट्राई करेंगे विथ हेल्प ऑफ दिस वीडियोज वी विल ट्राई टू करेक्ट एट टू टेन क्वेश्चन करेक्ट आउट ऑफ फिफ्टीन क्वेश्चन दैट वुड कम फॉर पॉलिटी सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड बेसिक कंसेप्ट रिगार्डिंग चैप्टर देन वी विल अंडरस्टैंड द फैक्चुअल डेटा दैट इज गिवन इन चैप्टर विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर प्रिलिम्स एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो वी विल हैव other discussion regarding the chapter in this video series so i hope that this video series will help you in understanding the chapter of indian polity then it will also help you in quick revision of that chapter and also you can solve question if it comes in prelims out of this chapter so without wasting a time let us begin we will begin this series with preamble प्रीएम्बल पे एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मोस्टली दैट क्वेश्चन वुड कम ऑन की वर्ड्स एंड देयर मीनिंग और सम अदर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रियम्बल सो ये पॉइंट ऑफ व्यू लेके वी विल क्विकली कवर द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सो द इंडियन प्रियम्बल इज द इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडोप्टेड ऑन नोवर ट्वेंटी फोर्टी नाइन एंड इट वॉज एनफोर्स्ड ऑन ट्वेंटी जनवरी नाइनटीन फिफ्टी देखो ट्वेंटी सिक्स नवंबर नाइनटीन फोर्टी नाइन को कॉन्स्टिट्यूशन रेडी था बैरिंग फ्यू प्रोविजन्स कॉन्स्टिट्यूशन मेम्बर साइन द डॉक्यूमेंट ऑन दिस डे दैट इज ऑन नवंबर ट्वेंटी फोर्टी नाइन सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बट ऑन ट्वेंटी जनवरी नाइनटीन फिफ्टी द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एनफोर्स्ड ऑल ओवर इंडिया सो इसमें हमें याद क्या रखना है सो द डेट ट्वेंटी सिक्स नोवर नाइनटीन फोर्टी नाइन वॉज डेट ऑफ अडोप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ट्वेंटी सिक्स जनवरी नाइनटीन फिफ्टी वॉज द डेट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नाउ लेट इस अंडरस्टैंड वॉट इज द इंडियन प्रियम्बल ये इंडियन प्रियम्बल एग्जैक्टली क्या है देखो द प्रियम्बल सर्व एज अ ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट आउटलाइंस द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स वैल्यूज एंड ऑब्जेक्टिव दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू अपहोल्ड एंड प्रमोट देखो ये प्रियम्बल है एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है उसकी एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है जिसमें क्या क्या इंक्लूड है प्रिंसिपल्स वैल्यूज एंड ऑबजेक्टिव दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपहोल्ड्स प्रियम्बल एक ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है जो बताता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स वैल्यूज प्रमोट करता है इट सर्व्स एज अ गाइडिंग लाइट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेट्स द टोन एंड डायरेक्शन फॉर द एंटायर डॉक्यूमेंट ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सो बिफोर गोइंग अ लेट एस डिस्कस फ्यू इन्फॉर्मेशन देखो एन ए पालखीवाला ने प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है एज पर के मुंशी इट इज़ द होरोस्कोप ऑफ सॉवरिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के एम मुंशी ने भविष्य बताया है जैसे कि मुंशी साहब भविष्य बताते हैं इट इज़ द होरोस्कोप ऑफ सॉवरिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं पंडित ठाकुरदास भार्गवा हु वॉज ऑल्सो अ मेम्बर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली उन्होंने कहा है द प्रियम्बल इज द मोस्ट प्रेशियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ दोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज द की टू द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ अ ज्वेल सेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज द प्रॉपर यार्ड स्टिक विच वन कैन मेजर द वर्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सो ये जो इम्यूनिस्ट जूरिस्ट है या फिर पार्लियामेंटेरियन हैं इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अपना व्यू एक्सप्रेस किया है जो हमने शॉर्ट में देखा नाउ लेटस अंडरस्टैंड फ्यू मोर फैक्ट्स दैट ऑल्सो कैन बी अ प्रोबेबल क्वेश्चन इन प्रिलिम्स देखो प्रियम्बल इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस जो जवाहरलाल नेहरू जी ने मूव किया था ऑन ट्वेंटी सेकेंड जनवरी नाइनटीन फोटी सेवन द रेजोल्यूशन वॉज यूनैनिमसली अडॉप्टेड ऑन ट्वेंटी सेकेंड जनवरी नाइनटीन फोर्टी सेवन इन फ्रंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन दिस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन और ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का जो मैटर है इट इज़ सिमिलर टू द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आप पढ़ सकते हो इन योर स्टैंडर्ड सोर्स इसको अलग से समझने की कोई जरूरत नहीं है देखो दूसरी बात प्रियाम्बल इज नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन इट्स पावर इसका क्या मतलब हुआ देखो आर्टिकल फोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि पार्लियामेंट को पावर है कि वो स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन को लेके लॉ बना सकता है सिंगल हैंडेडली तो आर्टिकल फोर पार्लियामेंट को पावर देता है ठीक है सिमिलरली आर्टिकल इलेवन पार्लियामेंट को पावर देता है सिटीजनशिप के रिगार्डिंग तो वी कैन से दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की प्रोविज़न रिगार्डिंग सिटीजनशिप प्रोविजन रिगार्डिंग यूनियन एंड इट्स टेरिटरी ये पार्लियामेंट को पावर देती है इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट बट ये केस प्रियाम्बल की रिगार्डिंग नहीं है प्रियाम्बल ऐसी कोई भी पावर पार्लियामेंट को नहीं देती प्रीएम्बल इज़ ना सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन इट्स पावर तो आपको ये याद रखना है इट इज़ नॉन जिस्टिशबल इन कोर्ट ऑफ लॉ इसका मतलब क्या देखो आपका अगर फंडामेंटल राइट किसी ने वॉयलेट किया तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो फंडामेंटल राइट्स आर एन्फोर्सिएबल इन कोर्ट ऑफ लॉ बट प्रियम्बल के जो प्रोविजन्स है ऑब्जेक्टिव है या फिर आइडियोलॉजी है वो मैटर लेके अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो तो दीज मैटर इज नॉट इन्फोर्सियबल इन कोर्ट ऑफ लॉ ये आपको याद रखना है हालांकि ऐसे ऑब्जेक्टिव या फिर आइडियोलॉजी जो प्रियम्बल पर बेस्ट है इट इज़ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर लेकिन उसके बारे में हम लोग आगे में पढ़ेंगे इन द चैप्टर ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्टरिन बट फिलहाल आपको ये याद रखना है अगर फिलिम्स में आपको ये स्टेटमेंट आए कि इज़ प्रियाम्बल एनफोर्सियेबल और जस्टिशबल इन कोर्ट ऑफ लॉ तो इसका आंसर है नहीं पी एम्बल इज नॉट जस्टिशेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ हाँ अगर लेकिन सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना है इफ़ देर इज़ अ सर्टन प्रोविजन इन क्वेश्चन एंड सुप्रीम कोर्ट को उसके रिगार्डिंग जजमेंट देना है देन फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने दैट प्रोविज़न क्यों एड किया व्हाट वॉज द फिलोसफी बिहाइंड दैट प्रोविज़न ये जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट प्रियम्बल का यूज कर सकती है इट इज़ द की टू माइंड ऑफ फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नाउ लेट लेटेस्ट मूव हेड टू द फोर्थ पॉइंट प्रियम्बल इज अमेंडेबल देखो प्रियम्बल को एक बार अमेंड भी किया था विथ फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ नाइनटीन सेवेंटी सिक्स एंड उसने तीन शब्द ऐड किए थे सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी तो आप इसे याद करने के लिए निमोनिक यूज कर सकते हो एस एस आई बट दिस कैन गेट कन्फ्यूजिंग मतलब यस यानी एग्जैक्टली क्या इट कैन बी सॉवर इट कैन बी सोशलिस्ट और इट कैन बी सेक्युलर सो इट कैन बी एनी थिंग तो इसके लिए एक और निमोनिक है इट वुड बी मोर बेटर वो रहेगा सॉक सेक इन सॉक फॉर सोशलिज्म सेक फॉर सेक्युलर एंड इन फॉर इंटीग्रिटी सॉक सेक इन आपको ये याद रखना है क्योंकि इसके रिगार्डिंग प्रिलियम्स में क्वेश्चन आया भी है और आ भी सकता है सो फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने तीन की वर्ड एड किए थे सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी नाउ लेट इज मूव फॉरवर्ड टू एक्जैक्ट टेक्स्ट ऑफ इंडियन प्रियम्बल द इंडियन प्रियम्बल क्या कहती है द इंडियन प्रियम्बल रीड्स एज फॉलोज वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलमली रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इन टू अन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड To secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. तो अभी इस टेक्स्ट को फोर पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं द फर्स्ट पार्ट टेल्स दैट प्रियाम्बल इज डिराइविंग अथॉरिटी फ्रॉम वेयर सो इट डिराइव अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया वी द पीपल ऑफ इंडिया एंड सो ऑन सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट इन सेकेंड पार्ट इट टॉक्स अबाउट द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट इंडिया का स्टेट कैसा है वी कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इन टू अन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इसमें से सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर्ड बाद में ऐड किए हैं सॉक सेक इन इट स्पेसिफाइज ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया डेट इज जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ये ऑब्जेक्टिव इंडिया एस्पायर करता है अचीव करने का सो द सेकेंड पार्ट टेल्स वॉट इंडिया इज वॉट इज द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट एंड द थर्ड पार्ट टेल्स वॉट इंडिया वॉन्ट्स टू बी मोर करेक्टली वॉट वैल्यूज इंडिया अस्पायर टू अचीव फाइनली टेल्स द डेट ऑफ अडोप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज ट्वेंटीबर फोर्टी नाइन एंड ट्वेंटी जनवरी क्या है इट इज द डेट ऑफ एन्फोर्समेंट वो यहां पर मैंशन नहीं किया ओनली डेट ऑफ एडॉप्शन इज मैं नाउ लेट एस अंडरस्टेंड ईच की वर्ड वन बाय इन स्मॉल डिटेल्स फर्स्ट सॉवरन द टर्म सॉवरिन मीन्स दैट इंडिया इज़ अ सेल्फ गवर्निंग नेशन फ्री फ्राम द कंट्रोल ऑफ एनी एक्सटर्नल पावर इट इज़ एक्सटर्नली इंडिपेंडेंट इंटरनली सुप्रीम इट इज़ नाइदर अ डिपेंडेंसी नॉर अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन एंड इंडिया इज़ फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर्स इंडिया के ऊपर कोई भी गवर्निंग अथॉरिटी नहीं है इंडिया एक सेल्फ इंडिपेंडेंट एंटिटी है दैट इज द मीनिंग ऑफ टर्म सॉवरिंग नव सेकंड टर्म इज द सोशलिस्ट सोशलिस्ट इम्प्लाइज दैट इंडिया हैज़ अ सोशलिस्ट इकोनॉमी विच मीन्स दैट द स्टेट कंट्रोल्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इट शुड बी नोटेड दैट इंडिया का जो सोशलिज्म है इट इज डिफरेंट दैन दैट ऑफ चाइना चाइना की तरह एक्सट्रीमिस्ट सोशलिज्म इंडिया फॉलो नहीं करता चाइना का कम्युनिस्ट सोशलिज्म है एंड इंडिया is not as socialistic as China and we are not as capitalist as USA or other Western countries we lie in middle we always lie in middle when it comes to any such philosophy and it is it has Indian socialism has unique name that is democratic socialism now let us move to the third word that is secular the term secular implies that India has no official state religion and that the state does not promote any particular religion over another. the concept of social, uh, secularism is a positive concept unlike western secularism. In western secularism, there is complete separation between state and religion. The state is dharma nirpeksha in western secularism. While in India, there is sarva dharma samabhav. That, that is state treats all religions equally so that is the indian model of secularism and indian nation state is secular state india treats all religions equally and we will understand this in more detail when we will cover fundamental rights the religion wala apart. now let us move to the next keyword that is democratic the term democratic implies that india is a democracy with an elected government and free and fair elections india is a representative democracy

विधानसभा में जाके बैठते हैं और वहाँ पे जाके लॉज बनाते हैं एंड अमोंग दीज पार्लियामेंटेरियंस एग्जीक्यूटिव बॉडीज ऑल्सो चोजन दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर्स एट्सेट्रा एंड इन इंडिया देर इज नॉट ओनली अ पोलिटिकल डेमोक्रेसी बट ऑल्सो अ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल राइट्स एस्टैब्लिश पोलिटिकल डेमोक्रेसी एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जब हम फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का चैप्टर करेंगे इट विल बी क्रिस्टल क्लियर टू यू व्हाट एग्जैक्टली दिस मीन्स देखो राइट प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एनकरेज स्टेट टू मेक प्रोविजन्स फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर मेजर्स अभी आप इतना ही याद रखिए सो द टर्म डेमोक्रेटिक इंप्लाइज दैट इंडिया इज अ डेमोक्रेसी विद एन इलेक्टेड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इंडिया रिप्रेजेंट करता है And it is achieved through free and fair elections. That is why India is a democratic state. Now, finally, the term republic. Republic implies that India is a republic with a president as the head of the state, and that the president is no hereditary monarch. And public offices are also open to all. Dehko, unlike the British government, the head of the state is a monarch. हेरीडिएटरी मोनार्क वहाँ पे क्वीन है किंग है एंड दे एंजॉय दिस स्टैटस बिकॉज दे आर बॉर्न इन सर्टन फैमिली बट इंडिया में ऐसा नहीं है वी हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वी हैव इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट देर इज रूल ऑफ लॉ एंड नॉट द रूल ऑफ द किंग एंड पोलिटिकल सॉवरिटी लाइज विद पीपल एज वी डिस्कस्ड इन डेमोक्रेटिक स्टेट नाउ दीज वेयर द Terms related to the nature of Indian state. Now, let us move to the third part of the Indian Preamble, which outlines the objective that the Constitution seeks to uphold and promote. These objectives include justice, liberty, equality, fraternity, and unity and integrity of India. Now, let us discuss each one by one. Justice, which includes social, economic, and political justice for all citizens because social justice means equal treatment for all economic justice means no discrimination on economic factors for example we have provisions such as we have concepts such as equal pay for equal work among men and women this concept is uh, in uh, mentioned in directive principles so that is why we said that directive principles establish social and economic democracy and पॉलिटिकल जस्टिस मीन्स इक्वल पोलिटिकल राइट्स टू ऑल देखो जस्टिस का मतलब होता है इन शॉर्ट फेयरनेस आपको इतना याद रखना है नेक्स्ट इज लिबर्टी विच इंक्लूड्स द फ्रीडम ऑफ था एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप फॉर ऑल सिटीजन्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इंडिविजुअल्स टू एंगेज इन एक्टिविटीज विदाउट एनी अनरी रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कोई भी अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर लादा नहीं जाएगा and it provides for opportunities for the development of individual personalities however this does not mean a free license to do anything one likes fundamental rights ensure that the individual freedoms are protected while balancing the interest of society as a whole they go rights enjoy rights enjoy but you should balance that with interest of society as a whole and इंडिविजुअल्स हैं उनके राइट्स उनको भी आपको ध्यान में रखना है अपने राइट्स एंजॉय करते वक्त सो दैट इज लिबर्टी फॉर यू एज मैंशंबल एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नाउ नेक्स्ट इज इक्वालिटी विच इंक्लूड्स द इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स दैट देर आर नो स्पेसल प्रिविलेजेस फॉर एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल इंडिविजुअल्स This is reflected in three dimensions of civic, political, and economic rights. Civic rights include fundamental rights as Articles 14, 15, 16, 17, and 18. 14 equality before law, 15 equality in public places, then Article 16 ensures equality in public employment, Article 17 ensures prohibition of untouchability, and Article 18 is regarding abolition of titles. पॉलिटिकल राइट्स इंक्लूड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज अंडर आर्टिकल थ्री ट्वेंटी सिक्स एंड थ्री ट्वेंटी फाइव इकोनॉमिक राइट्स आर प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल थर्टी नाइन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ़ स्टेट पॉलिसी जिसके रिगार्डिंग मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी तो सिविक राइट्स जनरली एस्टैबलिश इक्वलिटी इन सोसाइटी इन जनरल पब्लिक पोलिटिकल राइट्स इंश्योर दैट एवरी वन हैज एक चूज देयर लीडर्स इट इज इंश्योर्ड थ्रू यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी एंड इकोनॉमिक राइट्स आर प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल थर्टी नाइन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसके रिगार्डिंग हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स In में डिटेल में पढ़ेंगे फ्रैटर्निटी फ्रैटर्निटी विच एन्श्योर्स द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड प्रमोट्स यूनिटी एंड इंटीग्रिटी अमॉंग ऑल सिटीजन फ्रैटर्निटी यानी सेंस ऑफ ब्रदरहूड इंडिया में देर इज नो ड्यूअल सिटीजनशिप वी ऑल आर सिटीजन्स ऑफ यूनियन दैट इज इंडिया देखो सेंस ऑफ ब्रदरहुड यानी वी बिलोंग टू अ पर्टिकुलर नेशन एक नेशन है जिसके हम पार्ट है दिस नेशन हैज डन सम ग्रेट थिंग्स इन इट्स पास्ट एंड वी एस्पायर टू डू मोर सच थिंग्स इन फ्यूचर दैट इज अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड इन जनरल टर्म्स इन इंडिया देर इज नो ड्यूअल सिटीजनशिप यानी आई एज एन इंडिविजुअल आई एम नॉट सिटीजन फर्स्ट सिटीजन ऑफ माई स्टेट एंड देन सिटीजन ऑफ इंडिया i am only citizen of india and every individual in india is citizen of the country itself and not any other substandard entity we all are integral part of one nation and that is what ensures brotherhood तो अब तक हमने देखा कि प्रियम्बल इज द इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच आउटलाइंस द बेसिक प्रिंसिपल्स आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमने ये भी देखा कि इट डज़ नॉट प्रोवाइड एनी लीगल राइट्स और इम्पोज एनी लीगल ऑब्लिकेशन दैट इट इज़ नॉट इन्फोर्सबल इन कोर्ट ऑफ लॉ इज़ प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट ये लेके एक डिबेट भी हुई थी एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड यू नीड टू रिमेंबर दिज थ्री केसेस विथ रिगार्ड टू दिस देखो बेरूवेरू यूनियन केस देन केशवानंद भारती केस एंड देन एल ऑफ इंडिया केस फर्स्ट इन द बेरुबेरी यूनियन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस द सुप्रीम कोर्ट ने बोला प्रियम्बल इंपॉर्टेंट है इट इज की टू द माइंड ऑफ मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये केस 1960 में हुआ था हावेवर सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द कोर्ट ऑब्जर्व दैट प्रियम्बल इज मेयरली अ स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिवज एंड इट डज नॉट कन्फर एनी लीगल पावर देयर फोर इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको याद रखना है वेरूबर यूनियन केस ऑफ नाइनटीन सिक्सटी में ये डिसाइड किया गया था कि प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेकिन केसवानंद भारती नाइनटीन सेवेंटी थ्री केस इट इज़ अ वन ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सुप्रीम कोर्ट इन दिस द सुप्रीम कोर्ट रिवर्स इट्स अर्लियर डिसीजन एंड हेल्ड दैट द प्रियम्बल इज वेरी मच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन The court observed that the preamble reflects the basic structure of the constitution and forms an integral part of it. dekho keshavanand भारती case ne basic structure doctrine bhi establish kiya tha जिसके regarding हम एक full fledged chapter में discuss करेंगे. Also we will discuss that in fundamental rights too. तो फिलहाल आपको ये याद रखना है कि केशवानंद भारती केस said that the preamble is part of constitution and it reversed its earlier decision. विच इट हैड मेड इन बेरोबरी यूनियन केस ऑफ नाइनटीन सिक्सटी देखो सब्सिक्वेंटली एक और एक केस हुआ नाइनटीन नाइनटी फाइव में दैट इज एल आई सी ऑफ इंडिया केस द सुप्रीम कोर्ट रिइट दैट द प्रियाम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द कोर्ट हेल्ड दैट द प्रियम्बल सेट्स आउट द ऑब्जेक्टिव द कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू अचीव एंड रिफ्लेक्ट्स द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखो ये डिबेट सिग्निफिकेंट क्यों है अगर प्रियांबल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है Then it is subjected to amendment. Agar, preamble is not part of the constitution, then how can you amend any provision that is not part of the constitution? Since Supreme Court ne ye decide hai that the preamble is part of the constitution, it is also subjected to the amendment. However, the basic structure cannot be altered as per basic structure doctrine given by Supreme Court in 1973 Keshwanand Bharti case so you need to remember that the preamble is part of the constitution and it is amendable but the basic structure of constitution or preamble cannot be altered ye abhi ka stance hai preamble ke regarding that you need to remember so the preamble has been amended once through the 42nd constitutional amendment act 1976 the amendment added three words namely socialist secular and integrity soc sec in to the preamble the amendment was made with the aim of emphasizing the socialist and secular character of indian polity and the need to preserve the unity and integrity of the nation to conclude the preamble is essential part of the constitution indian constitution reflecting the basic principles and ideals of the constitution The preamble a introductory statement hai. ये ये भी बताता है कि प्रियाम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स ऑफ पावर क्या है द सोर्स ऑफ पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज पीपल ऑफ इंडिया इट ऑल्सो डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट एंड इट ऑल्सो टेल्स वॉट आर द ऑब्जेक्टिव दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्पायर्स टू अचीव एंड फाइनली इट टेल्स द डेट ऑफ अडोप्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज ट्वेंटी सिक्स नवंबर नाइनटीन फोर्टी नाइन सो आई विल अपलोड दिस पी डी एफ ऑन पी डी एफ मेम्बरशिप टेलीग्राम हैंडल Today it was first video in a while, so we took our time. Rest videos will be shorter, more apt for revision. So I hope you found this helpful and thanks for watching. See you soon in another video.